पैमाइश या मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी का जुज़ है। आज के साइंसी व तकनीकी दौर में शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी तैयारी में या आप तक पहुंचने में किसी ना किसी मिकदार या पैमाइश की ज़रूरत ना पड़ती हो। अजीज़ तलबा, वैसे तो हम सबके अंदर एक कुदरती निज़ाम मौजूद है जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ पैमाइश करते रहते हैं। जिस तरह इन लकड़ी के टुकड़ों को देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हल्का है, ये भारी है, ये पानी ठंडा है और ये चाय गर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अंदाज़े हम कहाँ तक लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे अंदाज़े गलत भी होते हैं। जैसे इन दो लकीरों को देखिए, इनमें से कौन सी लंबी और कौन सी छोटी है? देखने में एक लंबी और एक छोटी मालूम होती है, जबकि नापने पर दोनों बराबर हैं। देखिए, एक 1.7 इंच है जबकि दूसरी भी 1.7 इंच के बराबर है। ये पानी देखिए, बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन अगर इसका एक कतरा लेके खुर्दबीन के अंदर देखा जाए तो इसमें नहायत छोटे छोटे बहुत से जानदार अजसाम नज़र आते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। क्या आप देख के बता सकते हैं कि सूरज, चांद और सितारे कितने बड़े हैं या हमसे कितनी दूर हैं? जवाब यकीनन नहीं में होगा। इस बात से अंदाज़ा होता है कि हमारा अंदरूनी निज़ाम किस हद तक हमारे काम आ सकता है, जबकि साइंस इन हदूद से हमें बहुत दूर आगे ले जाती है। आज के साइंसदान एटम से भी छोटे ज़रात के अंदर झांक के देख सकते हैं कि इनकी बनावट कैसी है। जदीद आलात की बदौलत इनकी पहुंच खला की वसतों से भी आगे है। हर जगह साइंस और पैमाइश साथ साथ चलते हैं। सवाल क्या के साथ सवाल कितना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह चीज़ों का मवाजना हो सकता है और वाकयात का ताल्लुक ज़ाहिर होता है। साइंस की इस वक़्त की अक्कासी हमारे पैमाइशी निज़ाम में होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आजकल हज़ारों साइंसदान और टेक्नोलॉजिस्ट दुनिया के हर खित्ते में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इनको एक दूसरे के काम समझने की बहुत ज़रूरत पेश आती है, और ये बात सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब दुनिया में हर जगह एक ही पैमाइशी निज़ाम राइज हो। आप जानते हैं कि किसी भी मिकदार को नापने के लिए इसका कोई हवाला या इकाई यानी यूनिट होना ज़रूरी है, जिस तरह फासले का यूनिट गज़ या मीटर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह साइंसदान फासला गज़ों में नाप रहे हों और एक जगह मीटर में, और एक जगह वज़न पाउंड में लिया जा रहा हो जबकि एक जगह सेर में। लिहाजा बैनुल अक्वामी सतह पर मिकदारों की इकाइयों पर इत्तफाक हुआ है, जिसका ज़िक्र हम आगे चलकर करेंगे। हर इकाई के साथ छोटी बड़ी इकाइयों का एक सिलसिला होता है। इन छोटी बड़ी इकाइयों के बाहमी ताल्लुक़ को समझने के लिए एक आसान तरीका होना चाहिए। आप जानते हैं कि इंच के मील या मील के इंच बनाने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है कि एक मील 8 फरलांग, एक फरलांग 220 गज़, एक गज़ 3 फुट और एक फुट 12 इंच के बराबर होता है। मील के इंच या इंच के मील बनाने के लिए हमें ज़र्ब या तकसीम के तवील अमल से गुजरना पड़ता है, जो कि एक अच्छी खासी दर्दसरी है। इस उलझन से बचने के लिए हर मिकदार या पैमाइश को मीट्रिक सिस्टम में ढाला गया है। आइए देखें ये कैसे होता है। यहाँ आपको अशारई निज़ाम में आदाद दहाइयों में बढ़ते और घटते दिखाई दे रहे हैं, जैसे 10, 100 और 1000। इस कॉलम में यही आदाद दूसरी तरह लिखे हुए हैं। 10 के ऊपर एक अदद है जिसे 10 की पावर या 10 की ताकत कहते हैं। ये पावर हमें बताता है कि एक के बाद कितने सिफ़र आएंगे। जिस तरह यहाँ पे एक के बाद दो सिफ़र आए हैं तो यहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ एक के बाद 3 सिफ़र आए हैं तो 10 की पावर 3 है, यहाँ एक के बाद 6 सिफ़र आए हैं तो 10 की पावर 6 है, यहाँ पर एक के बाद कोई सिफ़र नहीं तो यहाँ पे 10 की पावर 0 होगी। इकाई के नीचे के आदाद कम हो रहे हैं। जिस तरह 0.1 इकाई का 10वां हिस्सा है, इसको 10^-1 लिखते हैं। ये इकाई का 1/5 हिस्सा है, जिसको 10^-2
या 0.01 या सेंटी लिखते हैं। ये इकाई का हज़ारवां हिस्सा है, जिसे 10^-3 या 0.001 या मिली लिखते हैं। ये इकाई का 1,00,000वां हिस्सा है, जिसे 10^-6 या 0.000001 या माइक्रो लिखते हैं। यही हमारा इशारई निज़ाम है, जिसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद लिखा जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, आइए इस निज़ाम को हम मिकदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी भी मिकदार की इकाई यहाँ देखते हैं। जिस तरह फासले की इकाई मीटर है और इसका सिंबल एम है। अब ये निज़ाम बड़े से बड़े फासले या छोटे से छोटे फासले को मीटर में ज़ाहिर करेगा। अगर आपके फासले बड़े हैं तो आप इनमें से कोई भी इकाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इकाइयों को मखसूस नाम दिया गया है, जिस तरह डेका को 10, यानी डेका मीटर 10 मीटर के बराबर होगा, हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर होगा और किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा। अज़ीज़ तलबा, शायद आप जानते हैं कि ज़मीन का निस्ब कुतर 10^26 मीटर है। सबसे करीबी सितारा 46×10^15 मीटर है। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस 10^-15 मीटर है। रोशनी की एक मौज का दौरानिया 2×10^-15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इस निज़ाम में छोटी बड़ी इकाइयों में तब्दीली बहुत आसान है। 10 के मुनासिब पावर से ज़र्ब या तकसीम देनी पड़ती है। इस तरह गज़, इंच, फुट और मील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और मीटर या इसकी छोटी बड़ी इकाइयाँ रह जाती हैं। बाकी मकदारें भी मीट्रिक सिस्टम में ढाली जा सकती हैं, जैसे मिनट, घंटा, दिन और साल के बजाय साइंसी कामों के लिए सेकंड को इकाई माना गया है। रोशनी की एक मौज का वक्त 2 फेमटोसेकंड है। अब अगर हम इकाइयों के खरब या इससे छोटे हिस्से करते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इकाइयों के अपने पैमाने सही हों। फ़र्ज़ कीजिए हम इस गेंद के मुतालिक कुछ मकदारें नापना चाहते हैं, जैसे ये गेंद कितनी बड़ी है, ये कितनी जगह लेती है, इसकी सतह कितनी बड़ी है, इसमें कितना मादा है, इसका मादा कितना कसीफ है, इस पर कितनी लाइट पड़ रही है और इसके अंदर से कितनी बिजली गुजर सकती है। अब देखना यह है कि इन पैमानों और मकदारों का क्या आपस में कोई ताल्लुक है। ये बात मालूम करने के लिए हमें इन मकदारों की नौइयत, इनके मफहूम और इनकी तारीफ पर गौर करना पड़ेगा। गेंद का साइज़ उसके कुतर यानी डायमीटर से नापा जा सकता है। ये एक फासला है, इसकी मुनासिब इकाई सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मीटर इस गेंद के नापने के लिए एक बड़ी इकाई है। गेंद की सतह एक रकबा है और रकबे की इकाई हम इस सेंटीमीटर की मदद से तय कर सकते हैं। ये एक यूनिट एरिया है, जिसका हर ज़िला 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी एरिया की इकाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर या 10^-2 मीटर × 10^-2 मीटर या फिर 10^-4 मीटर स्क्वायर है, 0.001 मीटर स्क्वायर है। घिरी हुई जगह हुज्म या वॉल्यूम है और वॉल्यूम की इकाई हम सेंटीमीटर के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। ये इकाई ऐसे मौकाब के हजम के बराबर है, जिसका हर ज़िला 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी इसकी इकाई 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर के बराबर है या फिर 10^-2×10^-2 मीटर × 10^-2 मीटर यानी 10^-6 मीटर क्यूब या फिर 0.00001 मीटर क्यूब के बराबर है। किसी चीज़ में मादे की मकदार, जिसे कमियत या मास कहते हैं, एक अहम मकदार है। इसे कैसे नापा जा सकता है? आप जानते हैं कि जब आप बाज़ार में कोई चीज़ तोल कर ख़रीदते हैं तो दुगने वज़न से आपको दुगनी चीज़ मिलती है। गोया मादा की मकदार यानी कमियत वज़न के मुताबिक होती है। लिहाजा हम किसी भी मादे के टुकड़े को कमियत की इकाई मुकर्रर कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों की कमियत को इसके वज़न के हवाले से नाप सकते हैं। बैनुल अक़वामी निज़ाम में कमियत की इकाई किलोग्राम है, जो कि 1000 ग्राम के बराबर है। इस गेंद की कमियत तोल कर नापी जा सकती है। इसकी मुनासिब इकाई ग्राम होगी, इसलिए कि किलोग्राम इसके लिए एक बड़ी इकाई है। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ।
एक किलो लोहा भारी है या एक किलो रुई? इसका जवाब तो यह है कि दोनों का वजन बराबर है, लेकिन लोहा रुई के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा कसीफ है। किसी चीज़ की कसाफत या डेंसिटी से मुराद ये है उसके अंदर मादा कितना ज़्यादा है या कितना कम है या कितनी जगह में फैला हुआ है। कसाफत की इकाई क्या होगी? अगर हम कमियत की जगह कमियत की इकाई यानी किलोग्राम लिखें और हुज्जम की जगह हुज्जम की इकाई यानी एक मीटर क्यूब लिखें तो कसाफत की इकाई एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। लिहाजा कसाफत कमियत और फासले की इकाइयों से आखज़ की जाती है। रफ्तार की इकाई भी इसकी तारीफ से मिलती है। किसी जिस्म की रफ्तार वो फासला है जो वो जिस्म एक ख़ास वक्त में तय करता है। लिहाजा अगर फासला एक मीटर हो और वक्त एक सेकेंड तो रफ्तार की इकाई एक मीटर फी सेकेंड बनती है। गोया ये इकाई फासला और वक्त की इकाइयों से अखज़ की गई है। 1960 में वेट्स एंड मेजरमेंट्स की 11वीं कॉन्फ्रेंस ने इकाइयों के बैनुल अक्वामी निज़ाम को अपनाया। 1971 के बाद 7 बुनियादी इकाइयां और 2 नस्बतें बुनियादी करार दी गईं। बाकी तमाम मकदारों की इकाइयां इनसे अखज़ की जाती हैं। बुनियादी इकाइयां ये हैं: फासला या डिस्टेंस, जिसकी इकाई या यूनिट मीटर है और मुखफ्फ या सिंबल एम है; कमियत या मास, जिसकी इकाई या यूनिट किलोग्राम है और मुखफ्फ या सिंबल केजी है; वक्त या टाइम, जिसकी इकाई या यूनिट सेकेंड है और उसका मुखफ्फ या सिंबल SCC है; इलेक्ट्रिक करंट या बिजली का करंट, जिसका यूनिट एम्पियर है और सिंबल ए है; टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, जिसका यूनिट केल्विन है और सिंबल के है; ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, जिसका यूनिट कैंडला है और सिंबल CD है; केमिकल सब्सटेंस या कीमियाई नोशे, जिसका यूनिट मोल है और सिंबल MOL है। इजाफी इकाइयाँ यानी सप्लीमेंट्री इकाइयाँ ये हैं: सतही जाविया यानी प्लेन एंगल, इसका यूनिट रेडियन है और सिंबल RAD है; ठोस जाविया यानी सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट स्टीरिडियन है और सिंबल SR है। आइए अब हम 3 अहम इकाइयों का जिक्र करते हैं। कमियत की इकाई किलोग्राम है। ये वो वाहिद इकाई है जो इंसान की अपनी बनाई हुई है। बाकी दोनों इकाइयाँ यानी मीटर और सेकंड का हवाला हमें फितरत में मिलता है। जो चीज़ जितनी एक्यूरेटली मेजर की जाएगी वो इतनी ही प्रिसाइज होगी। शुरू में इंसान फासले को अपने जिस्म के किसी हिस्से से नापता था। फुट एक कदावर इंसान के पाँव के नाप के बराबर था। मील 1000 दोहरे कदम के बराबर समझा जाता था। हर कदम तकरीबन 5 फुट लंबा समझा जाता था। 18वीं सदी में फ्रांस के साइंसदानों ने ज़मीन के शुमाली कुतब यानी नॉर्थ पोल से ख़ते इस्तवा यानी इक्वेटर तक का फासला अच्छी तरह नापा और इसके करोड़वें हिस्से को एक मीटर करार दिया। इस नाप का निशान एक धाती सुलाख पर लगाया गया और इसे बहुत एहतियात से पेरिस में महफूज रखा। साथ ही अशारी निज़ाम नाफिज किया और दुनिया के ममालिक को दावत दी कि इसे इख्तियार करें। ये मीटर बहुत मकबूल हुआ, लेकिन आज के दौर में साइंस की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सका। पता ये चला कि गुज़िश्ता 200 साल में सुलाख चंद करोड़वें हिस्से सुकड़ चुकी है और इस तरह ये नाप नाकाबले कबूल हो गया। चुनाचे 1960 में मीटर की तारीफ को बदल दिया गया। अब इसका हवाला एक फितरी मज़हर से लिया जाता है जिसके बदलने का इम्कान नहीं। ये हवाला क्रिप्टॉन गैस के एटम से निकलने वाली नारंगी शुआओं में पाया जाता है। इनकी मौजों की वेवलेंथ की एक ख़ास बड़ी तादाद को एक मीटर करार दिया गया है। ये नाप भी सही था, लेकिन फिर भी 1983 में मीटर की तारीफ बदल दी गई। आखिर क्यों? साइंस एक मुस्तकिल जस्तजू का नाम है जो ख्यालात की वाहदानियत और सादगी पर यकीन रखती है। एक बुनियादी तस्वुर खला में रोशनी की मुस्तकिल रफ्तार का है। नई तारीफ के मुताबिक मीटर वो फासला है जो रोशनी खला में एक सेकंड के ख़ास छोटे से कसर में सफ़र करती है। इस तरह मीटर
वक्त की इकाई यानी सेकंड से अखज़ किया जाता है और दोनों इकाइयों में मुकम्मल इत्तफाक है। आइए अब हम आपको पाकिस्तान के इदारे नेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड्स लेबॉर्ट्री लिए चलते हैं। इस इदारे की जिम्मेदारी मुल्क में निज़ाम को कायम रखना है। नेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी इस्लामाबाद में वाक़े है, जिसका काम पूरे मुल्क में बैन अलाक़वामी निज़ामी पैमाइश यानी इंटरनेशनल सिस्टम को मुतारिफ कराना और नाफिज करना है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे इस लेबॉरेटरी से मुख्तलिफ पैमाइशों के बारे में इस्तफादा करते हैं। फासले की इकाई मीटर है। नेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ किस्म के मीटर रखे हुए हैं। ये एक वर्किंग स्टैंडर्ड मीटर है, ये फ्रांस का बना हुआ है। इस मीटर का तिजारती सतह पर इस्तेमाल होने वाले मीटर से मवाजना किया जाता है। इस तरह उस कमी बेशी का बिल्कुल दुरुस्त तखमीना लगा लिया जाता है जो कमर्शियल मीटर में बाज़ वजूह की बिना पर रूनुमा हो जाती हैं। तिजारती सतह के मीटर को इस मीटर के साथ इस तरह रखा जाता है कि हर दो के ज़ीरो पॉइंट बाहम मुंतबिक हो जाएं। इसके बाद खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप को इस पर चलाते हैं। वर्किंग स्टैंडर्ड मीटर के हर सेंटीमीटर का तिजारती सतह पर इस्तेमाल होने वाले मीटर के हर सेंटीमीटर के साथ भी मवाजना किया जाता है और दोनों मीटरों की कुल लंबाई का भी मवाजना किया जाता है। आखिर में ये तय हो जाता है कि वर्किंग स्टैंडर्ड मीटर से तिजारती सतह पर इस्तेमाल होने वाले मीटर की कुल लंबाई कितनी कम या ज़्यादा है। वर्किंग स्टैंडर्ड मीटर से एक मिलीमीटर के दसवें हिस्से तक ठीक ठीक प्रेसीजन पैमाइश कर सकते हैं। ये जर्मनी का बना हुआ सानवी मियारी या सेकेंडरी स्टैंडर्ड मीटर है। इसकी लंबाई एक मीटर है जो कि इस मशीन पर फिट किया हुआ है। ये पाकिस्तान का बना हुआ सानवी मीटर है। इसकी पड़ताल करनी हो तो इसको टेस्ट पीस कहते हैं। इस टेस्ट पीस को इस मशीन पर यहाँ फिट कर देते हैं। इस मशीन के ऊपर एक ऑप्टिकल सिस्टम है, इससे रेफरेंस मीटर की लंबाई को महफूज कर लेते हैं। इसके बाद इस मीटर को टेस्ट पीस के ऊपर इस तरह फिट किया जाता है कि इसका एक सिरा रेफरेंस मीटर के सिरे के साथ जीरो पॉइंट पर मुंतबिक हो जाए। जब दोनों का मवाजना किया जाता है तो पता चल जाता है कि टेस्ट पीस कितना बड़ा या छोटा है। इससे मिलीमीटर के सौवें हिस्से तक तस्दीक की जा सकती है। ये नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड मीटर है जो बैन अलाक़वामी निज़ामी पैमाइश में हर मुल्क को रखना पड़ता है। इसको रेफरेंस मीटर इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। कमियत या मास की इकाई किलोग्राम होती है। नेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी में ये औजान का एक सेट है जो फ्रांस का बना हुआ है। ये एक ग्राम से 20 किलोग्राम तक के औजान पर मुश्तमिल है। ये 2 किलोग्राम का बाट है जबकि ये 20 किलोग्राम का है। ये सेट हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सेट पाकिस्तान टेक्साल का बना हुआ है। ये भी 1 ग्राम से 20 किलोग्राम तक के औजान पर मुश्तमिल है। ये सेट पाकिस्तान के सूबों और कश्मीर में इंस्पेक्टरों को मुहैया किए गए हैं। ये इंस्पेक्टर मुल्क भर में तिजारती सतह पर इस्तेमाल होने वाले बाटों का इनसे मवाजना करते हैं, जिसके ज़रिए पूरे मुल्क में इन औजान को यकसा सतह पर रखा जाता है। वक्त की इकाई सेकंड है। इन बहुत से बरकी साजो सामान से पाकिस्तान के मियारी वक्त का तायुन किया जाता है। इस मकसद के लिए मियारी घड़ी को चलाने के लिए क्रिप्टन की बुनियादी मियारी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी के लिए मुतालिका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। बैन अलाक़वामी सिस्टम में क्रिप्टन के एटम से निकलने वाली शुआओं की लहरों की खास बड़ी तादाद का दौरानिया 1 सेकेंड करार दिया गया है। ये एटमी घड़ी बहुत मुस्तकिल मिजाज होती है। मसलन 3000 साल में ये 1 सेकंड से भी कम फर्क देती है।
इसी से पाकिस्तान का मियारी वक्त मुकर्रर किया जाता है। ये इदारा पाकिस्तान के मियारी वक्त को मुख्तलिफ टाइम एजेंसियों मसलन जापान और चीन वगैरह से मिलाता है। इस तरह पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के मियारी वक्त को बरकरार रखा जाता है। ये इदारा कौमी इदारों नीज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में पैमाइशी निज़ाम में मुकम्मल यकसानियत पैदा करने में मदद देता है। अजीज तुलबा, आज के प्रोग्राम के अहम नुकात ये हैं। जदीद दौर के साइंसी व तकनीकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मकदार को अशारी निज़ाम में ढाला गया है। एक ही इकाई से ज़रूरत के मुताबिक छोटी बड़ी इकाइयाँ बनाई जाती हैं। सिर्फ 7 बुनियादी और 2 इजाफी इकाइयों से बाकी तमाम मकदारों और पैमानों की इकाइयाँ अखज़ की जाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ मकदारों का आपस में ताल्लुक ज़ाहिर होता है और निज़ाम में रब्त पैदा होता है। फासले और वक्त की इकाइयों का हवाला ख़ास एटम से निकलने वाली शुआओं से लिया जाता है, जिनकी लहरों की वेवलेंथ और निकलने की रफ्तार कतई दुरुस्त और मुस्तकिल है। कमियत या मास यानी मादे की मकदार को मादे के वज़न से नापा जाता है और इसकी इकाई किलोग्राम है। ये जदीद बैनुल अक्वामी निज़ाम पैमाइश दुनिया के हज़ारों इकाइयों की पेचीदगियों को काबू में रखने की एक कोशिश है जो हमेशा जारी रहेगी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।